हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हो। मैं हूँ ज्योत्सना, आप देख रहे हैं लव योर सेल्फ। आज मैं बताऊंगी राइस फेशियल के बारे में। जी हाँ, राइस फेशियल हमारी स्किन के ग्लो के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप कहीं शादी पे या पार्टी पे जाना चाहते हैं और आपके पास पार्लर जाने के लिए टाइम नहीं है और पार्लर का खर्चा भी आपके बजट में नहीं है, तो ये फेशियल आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। अगर आप कहीं पर जाना चाहते हो तो एक दिन पहले रात को आप ये फेशियल कीजिए और इसका निखार बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो चलिए, इसको बनाते कैसे मैं उसको दिखाऊंगी और इसको अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगी। इसके लिए हमें 3 से 4 चम्मच चावल चाहिए। जो भी चावल आप खाते हो उसी चावल हम 2 से 3 बार आप धो दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल के आपको 2 से 3 घंटा भिगो के रखना है। भिगो के रखने से इसका अच्छे से ब्लेंड होगा और अच्छे से तैयार हो पाएगा। ये देखिए, इसका पानी आ चुका है और नीचे उसका थोड़ा खाद बचा है। अब इसको छान लीजिए और वो जो हमारा पानी बचा है ना, उसी से ही क्रीम होगा और उस खाद से ना हमारा स्क्रब तैयार होगा। ये देखिए, अभी उस पानी को एक साफ कंटेनर में डाल दीजिए। एक साफ कंटेनर में डाल के हमें धीमी आंच में एकदम हल्के से पकाना है। इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो ये गाढ़ आ जाएगा, इसलिए इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। इसको बिल्कुल भी रोकना नहीं है, टाइम बहुत कम लगता है इसे बनाने में। ये आपके स्किन में हम मसाज करेंगे और इतना अच्छा ग्लो आएगा। ये देखिए, मेरा क्रीम बनके तैयार है। अभी मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये देखिए, हमारा क्रीम बनके तैयार है। स्क्रब में तैयार कर रही हूँ। वो चावल बचा था उसके मैं अंदर दही डाल दिया, इससे हमारा स्क्रब तैयार हो जाएगा। इसी से हम स्किन में स्क्रब करेंगे जिससे कि हमारा डेड स्किन अच्छे से निकलेगा। और उसी जो हमने क्रीम बनाया था उसमें हनी डाल दिया है थोड़ा सा, और मैंने फ्रेश एलोवेरा का जेल डाला है। पल्प से निकाल के रखा था और उसी को मैं डालूंगी। अगर आपके पास एलोवेरा का पल्प नहीं है तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, उतना ही इफ़ेक्टिव होगा। ये देखिए, हमारा मसाज क्रीम तैयार हो गया है। एलोवेरा के पल्प की वजह से इसका मसाज बहुत अच्छी तरीके से होगा। ये देखिए, उसका बहुत अच्छी तरह से है। और ये हमारा पैक बना है, उसी क्रीम में हम मुल्तानी मिट्टी मिलाएंगे और रोज़ वाटर डालेंगे क्वांटिटी के हिसाब से। अगर आपको मुल्तानी मिट्टी सूट नहीं करता तो आप उसकी जगह चंदन पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। इसी से हमारा पैक तैयार हो गया। अभी देखिए, हमारा स्क्रब भी रेडी है और क्रीम भी रेडी है और पैक भी रेडी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसे किस तरीके से अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप, और करके आप अपनी खूबसूरती में निखार ला सकते हैं। तो अभी पहले तो बालों को बांध लीजिए जिससे कि अच्छे से ऊपर हो जाए, बाल ना आए। और मैंने मेकअप नहीं किया, जो फिर भी स्किन में कोई भी चीज़ अप्लाई करने से पहले तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओपन पोर्स खुल जाए और अच्छे से साफ हो, अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो हमारे स्किन में। तो मैं थोड़ा रोज़ वाटर लेके इसको अपने स्किन को साफ करें। साफ करने से आपके स्किन में फेशियल का ग्लो उतना ही अच्छा आता है, इसलिए हर कोई भी चीज़ अप्लाई करने से पहले स्किन को साफ़ करना ज़रूरी है। वही स्क्रब मैं अप्लाई कर रही हूँ और एकदम धीरे धीरे इसको मसाज करनी है। बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना है, एकदम हल्के हाथों से धीरे धीरे दबाव डालना है। जहाँ पर भी वाइट हेड और ब्लैक हेड है वहाँ पे उंगलियों से थोड़ा थोड़ा दबा के आपको मसाज करना है। इससे आपके वाइट हेड और ब्लैक हेड भी निकल जाएंगे और बहुत ही स्किन बहुत ही स्मूथ बनेगा। ये देखिए, इसका हल्के हल्के मसाज कीजिए और जब आपका हो जाए तो आप नल से जाके अच्छे से क्लीन करिए, क्योंकि अगर साफ़ नहीं होगा तो मसाज में दिक्कत आएगी। देखिए, मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। अभी आपको वही क्रीम अप्लाई करना है। क्रीम अप्लाई करके आपको मसाज देनी है और ये स्किन में बहुत ही अच्छा काम करता है। एलोवेरा की वजह से ये बहुत अच्छे तरीके से फिसलता है और हमारे स्किन में एक टाइटनिंग इफेक्ट डालता है। देखिए, इस तरीके से आपको ऊपर के ओर लेना है जिससे कि हमारी स्किन जो नीचे की तरफ झुक जाती है उसे हम लिफ्ट कर सके, ऊपर की तरफ हो सके। थोड़ा सा आईब्रो की तरफ करके और टैपिंग करनी है उंगलियों से। इससे क्या होगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन
तेज होगा और स्किन में ग्लो आएगी। इस तरीके से आपको 15 मिनट मसाज करना है, 10 से 15 मिनट। ज़्यादा टपाप मत डालना, धीरे 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 हल्के हाथों से मसाज करनी है। आपको अगर मसाज नहीं आता तो एक दो स्टेप सीख लीजिए और टैपिंग कीजिए। ये देखिए, इससे हमारे आईब्रो भी ऊपर की ओर जाएंगे, इससे आईब्रो की लिफ्टिंग होगी और आईब्रो नीचे की ओर नहीं झुकेगा। इस तरीके से आप आईब्रो को भी ऊपर की तरफ खींचिए, जिससे कि ये अच्छा होगा। और आँखों की तरह नीचे धीरे धीरे करके इस तरह कीजिए, जिससे कि आँखों का अगर आपका डार्क सर्कल है वो भी चला जाएगा। धीरे धीरे एकदम हल्के हाथों से, दबाव नहीं डालना है आपको। बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा फिसलेगा और आपको हाथों में भी ज़्यादा दबाव नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे उसका असर हो जाएगा। ये देखिए, 10 से 15 मिनट हो चुका है। अब मैं धीरे धीरे इसको पोंछूंगी। मेरा स्किन में अभी से ही ग्लो नज़र आ रहा है, इतना सॉफ्ट लग रहा है उस टाइम। अभी देखिए, मैं पोंछ के आ गई, अभी उसको पैक लगाऊंगी। पैक 10 से 15 मिनट रहेगा। मेरा पैक लग चुका है। अभी देखिए, 10 से 15 मिनट हो चुका है। अभी मैं इसको रिमूव करूंगी। देखिए, मेरे स्किन में ग्लो नज़र आ रहा होगा। आप ये 10 दिन में एक बार करिए फ्रेंड्स, इतना अच्छा ग्लो आएगा आपके फेस में कि आपको तुरंत फील होगा जी, आपकी स्किन इतना सॉफ्ट हो गया है। देखिए, स्किन में ग्लो तुरंत नज़र आ रहा है। आप करके देखिए फ्रेंड्स, फिर मुझे बताना। ये देखिए, मैंने ये रोज़ वाटर फ्रिज में रखा था, ठंडा ठंडा रोज़ वाटर स्प्रे करना है और उसको डैप डैप करके अपने स्किन में अब्जॉर्ब करवाना है। अभी मेरा चेहरा ज़्यादा सूखा नहीं है, क्योंकि फेशियल करने के बाद चेहरा थोड़ा ड्राई हो जाता है। तो मैं, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मुझे कोकोनट ऑयल सूट करता है, इसलिए मैंने कोकोनट ऑयल लगाया। आप चाहे तो बादाम ऑयल भी लगा सकते हो। देखिए, लगा चुकी हूँ, इतना सॉफ्ट लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। आप ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। इसके साथ साथ आपको और भी कुछ चीज़ों के ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्किन में ग्लो के लिए। जिस तरह अभी समर आ रहा है, समर के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीनी चाहिए। जी हाँ, 7 से 8 ग्लास पानी आपको रोज़ पीनी है और फ्रेश वेजिटेबल खानी है, हरी सब्जी ज़्यादा खानी है। इससे ये आपका स्किन अच्छा रहेगा और आपके स्किन में ग्लो आएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे प्यारे से वीडियो पे। नमस्ते।